नोटबंदी के बाद पीएम मोदी के अपमान पर बिहार के मंत्री घिरते जा रहे हैं। नीतीश के मंत्री ने पीएम मोदी की तस्वीर पर जूते चलवाने और अपशब्द कहने के लिए माफी तो मांग ली है, लेकिन इससे बीजेपी की नाराजगी नहीं थम रही। वो मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। सबसे पहले आप देखिए कि मंत्री जी ने विवाद के बाद क्या बयान दिया। अगर मेरे बयान से या हमारे लोगों के बयान से किसी को ठेस लगी है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। अगर मेरे बयान से या हमारे लोगों के बयान से किसी को ठेस लगी है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। अब आप ये भी देख लीजिए कि मंत्री जी ने 22 फरवरी को ऐसा क्या किया था जिस पर अब उन्हें खेद हो रहा है और सफाई देनी पड़ रही। वो आया नहीं है, उसकी पिक्चर लगी है, इसे आज जूता मारा। यकीन नहीं आता तो यकीन कीजिए, अपनी आंखों से देखिए। ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी धरती के किसी कोने में नहीं मिलती। ये नीतीश सरकार के मध्य निषेध मंत्री हैं, नाम है अब्दुल जलील मस्तान। नोटबंदी ने इन्हें इस कदर मारा है कि ये एक सभा बुलाकर नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर जूते मरवाने का आयोजन करते हैं। इनके समर्थकों के हाथों में जूते चप्पले हैं और इनकी जुबान पर गाली है। लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार करना, इस तरह का आचरण निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये आचरण किए हैं, जिस तरह से उनकी वाणी निकली है और जिस तरह उन्होंने किया है, ये निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इनको खेद प्रकट करना चाहिए। बिहार में पूर्णिया के अमौर विधानसभा क्षेत्र में ये वेदना सभा बुलाई गई थी, जहां प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर लानत मलामत की गई। मंत्री ने खुद उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, समर्थकों ने गालियां दी और उनकी तस्वीर पर जूते चप्पलें बरसाई गई। 22 फरवरी को नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर जूते बरसाने वाला ये वीडियो वायरल हो चुका है, जिस पर राजनीति गर्म हो रही है। ये वीडियो करीब एक सप्ताह के बाद सामने आया है, आखिर क्यों? और इस वीडियो के साथ ये सवाल भी सुलगने लगा है कि मोदी विरोध में लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, जिसमें लोग कुछ भी कहने और कुछ भी करने पर उतारू हैं। रोहित कुमार सिंह, पूर्णिया आज तक। मंत्री अब्दुल जलील बस्तान की हरकत सामने आने के बाद सीएम नीतीश से लेकर सरकार की सहयोगी सभी पार्टियों ने एक सुर में मंत्री की आलोचना की थी। इसी का नतीजा यह है कि मंत्री जी को फौरन अपनी करतूत पर माफी मांगनी पड़ी। सर, जलील मस्तान ने पीएम को जिस तरह से जूते मरवाए हैं वो गलत है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में किस तरह का शब्दों का प्रयोग करते थे, भारतीय जनता पार्टी अपने संस्कारों को नहीं देखती है? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मनमोहन सिंह रेनकोट पहन के नहाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर आकर कहा कि मुख्यमंत्री का डीएनए खराब है। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार कैसी है? विपक्ष की क्या भूमिका है, विपक्ष क्या चाहता है तो विपक्ष बताएगा, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मटेरियल नहीं है। विपक्ष सरकार को घेर सकने में सक्षम नहीं है, इसीलिए सरकार को बेतुकी बातों पर घेरने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के तस्वीर को सामने ला करके अपने समर्थकों को भड़काया कि प्रधानमंत्री पर चित्र पर जूते मारो, लाठी मारो। तो हम लोगों ने मांग किया है ऐसे अमर्यादित असंसदीय काम करने वाले मंत्री को बर्खास्त करने का नीतीश कुमार से मांग किया, साथ साथ उन पर मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो। इसी को लेकर सदन को हमने आज ठप किया है।